हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमिता सोफर आज अपनी एम्ब्रियोलॉजी लैब में बैठी हूँ और मैं आपको आज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के बारे में बताऊंगी और कैसे हम पेशेंट के साथ और डॉक्टर दोनों मिलके इस टेक्निक, जो एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसपे फाइनल सक्सेस रेट डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक ब्लास्टोसिस्ट है, ये फाइनल स्टेज है जब एक एम्ब्रियो ग्रो करता है। हमने ये ब्लास्टोसिस्ट एक सिंपल कैथेटर में लोड करना है। आपने देखा है ये कैथेटर बहुत स्पेशल कैथेटर है, इसकी टिप इतनी पतली है कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होती। ये हम लोड करके पेशेंट के यूट्रस में जो है भ्रूण ट्रांसफर करते हैं। टोटल प्रोसीजर सिर्फ लेस देन 1 मिनट होता है, पर ये एक सिंपल प्रोसीजर है। बट अगर ये ठीक नहीं किया जाता तो जितना पेशेंट का है, जो मेहनत डॉक्टर करता है, पेशेंट करता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं पेशेंट को टिप्स देना चाहूंगी कि एक एक्सपर्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट से अपने ट्रांसफर कराए और पेशेंट को रिलैक्स होना, पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद एक स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की भी जरूरत नहीं है। हम पेशेंट को 30 to 40 मिनट्स रेस्ट कराते हैं, उसके बाद पेशेंट उठ के अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। बिल्कुल पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस नहीं रखना उस टाइम पे, मेडिकेशन खाते रहना है। एक सिंपल प्रोसीजर अगर ढंग से किया जाए, एक्सपर्ट हैंड्स में किया जाए, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग के साथ किया जाए, तो इससे हम आईवीएफ का कामयाबी दर भी बढ़ा सकते हैं।